हेलो फ्रेंड्स, मैं अरबी कुशवाहा, कॉमन सर्विस सेंटर वगैरह। आपको मैं आज कुछ नदियों के बारे में बताऊंगा। चलिए चलते हैं नदी, देखते हैं कौन कौन सी भारत में नदियाँ हैं। ये हमारी पहली नदी है सिंधु नदी, इंडस नदी भी कहा जाता है। ये तिब्बत स्थित मानसरोवर झील से उद्गम हुआ है। इसका सिंधु नदी तिब्बत भारत तथा पाकिस्तान में बहते हुए अरब सागर में मिल जाती है। इसकी 2,880 किलोमीटर लंबाई है और भारत में 992 किलोमीटर लंबी है। सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एवं सतलज। ओके फ्रेंड्स, ये रही हमारी सिंधु नदी। दूसरी नदी है हमारी झेलम, झेलम नदी। झेलम नदी का उद्गम कश्मीर घाटी की शेषनाग झील के निकट बेरनांग नामक स्थान से हुआ। वूलर झील में मिलने के बाद यह पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। झेलम नदी की कुल लंबाई 724 किलोमीटर है, ये भारत में 400 किलोमीटर तक है। ये भारत में 400 किलोमीटर तक ही है, ठीक है। अगली नदी है ब्यास नदी। ये 470 किलोमीटर दूरी तय करते हुए पंजाब में सतलज नदी में मिल जाती है। यह हिमालय के रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से उद्गम हुआ है इसका। ये ब्यास नदी है। अगली है हमारी रावी नदी। ये रावी नदी है। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है, पाकिस्तान के मुल्तान समीप चेनाब नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 720 किलोमीटर है। सतलज नदी। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के निकट राज सताल से हुआ है। चेनाब नदी में ये भी मिल जाती है। सतलज नदी 1050 किलोमीटर है। ये प्रसिद्ध भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर बना हुआ है। मानसरोवर से निकलती है झील से, राज सताल झील से। अगली है हमारी गंगा नदी, जो उत्तर प्रदेश से है। ये उत्तराखंड के गोमुख हिमनद के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम हुआ है। वास्तव में अलकनंदा तथा भागीरथी नदी के देवप्रताप प्रयाग से मिलने के गंगा नदी कहलाती है। देवप्रयाग मिलने पर इसकी लंबाई 2,525 किलोमीटर है। ये 2,510 किलोमीटर अपने इंडिया पे फैली हुई है, अपने भारत पे। गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। इसका नाम मेघना हो जाता है बांग्लादेश में समुद्र के किनारे। और ये गंगा नदी दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। इलाहाबाद में इसका संगम होता है। गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियों का संगम बनता है, जिसे प्रयाग भी कहा जाता है। अगली नदी है हमारी यमुना। यमुना नदी गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। ये 1,375 किलोमीटर का सफ़र तय करते इलाहाबाद के निकट प्रयाग में गंगा नदी में मिल जाती है। यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ चंबल, बेतवा, केन। यमुना नदी को भारत की सबसे अधिक प्रदूषित माना जाता है। अगली है चंबल। चंबल नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित महू के निकट जाना पाव पहाड़ी से निकलता है। चंबल नदी की लंबाई लगभग 950 किलोमीटर है। यह नदी रीढ़वा गड्ढे का निर्माण करते हुए आगे निकलती है। ये फ्रेंड्स, अगली नदी है हमारी घाघरा। इस नदी का उद्गम मापचाईचुंग ग्लेशियर से हुआ है। यह हिमालय तथा शिवालिक श्रेणियों को पार करते हुए समय राजस्पान नामक स्थान पर गहरी संकीर्ण घाटी का निर्माण करती है। ओके, यह 1200 किलोमीटर लंबी है। अगली नदी है गोमती। गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। यह गाजीपुर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। ओके फ्रेंड्स, ये रही गोमती। गोमती नदी। ओके, अगली है हमारी कोसी। ये कोसी नदी है। कोसी नदी प्रारंभिक रूप से 7 धाराओं से जुड़ा हुआ, जो नेपाल, हिमालय तथा कंचनजंगा पर्वत से निकलती है। इन धाराओं में सबसे बड़ी धारा का नाम अरुण है, जो माउंट एवरेस्ट के पास से निकलती है। इसकी लंबाई 750 किलोमीटर है। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन एवं भयंकर बाढ़ के लिए कुख्यात है। यह प्रतिवर्ष बिहार में जनधन की अपार क्षति पहुंचाती है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को। अगली है हमारी दमोदर नदी। इस नदी का उद्गम छोटा नागपुर के पठार में स्थित प्लामू पहाड़ी से हुआ है। इसकी लंबाई है
दामोदर नदी द्वारा पश्चिम बंगाल में ब्रांड में भारी तबाही लाती है, इसलिए इसे पश्चिम बंगाल का सौक कहा जाता है। इसी नदी और दामोदर नदी घाटी परियोजना संचालित है। बेतवा नदी, ये 475 किलोमीटर लंबी है, रायसेन जिले में स्थित कुमार गांव के निकट विंध्याचल पर्वत से निकलती है। बेतवा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, जो विंध्याचल से निकलती है। इस नदी पर माता टीला एवं राजघाट बांध निर्मित है। ओके फ्रेंड्स, अगली नदी है सोन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों से हुआ है। यह 775 किलोमीटर लंबी है। इस नदी पर बाढ़ सागर परियोजना एवं रिहंद परियोजना संचालित है। यह अमरकंटक की पहाड़ियों से इसका उद्गम हुआ है। रीवा एवं सीधी झीलों से बहती हुई निकलती है। अगली है ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील से उद्गम हुआ है तिब्बत के। इस नदी का उद्गम स्थल समुद्र तल से 5150 ऊंचाई पर स्थित है। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद यह दिहांग कहलाती है। असम में इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है तथा बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, यह भारत में 916 किलोमीटर तक ही है। अगली है हमारी नर्मदा। यह नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत में स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। यह अपने उद्गम स्थान से पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई गुजरात में भटाउज के निकट खंबात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती, यह एक्चुअली का निर्माण करती है। इसी नदी पर इंदिरा सागर परियोजना है। अगली है हमारी ताप्ती। ये मध्य प्रदेश में बैतूल जिले में मतलाई नगर के पास से उसका उद्गम है। ये सूरत के निकट नर्मदा नदी के समांतर बहते हुए गुजरात पहुंचती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगली है हमारी महानदी। महानदी है, ये 857 किलोमीटर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले में स्थित सिंहा पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। इस नदी पर उड़ीसा राज्य में प्रसिद्ध हीराकुंड बांध बना हुआ है। अगली है गोदावरी। इस नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले से होता है। 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण की गंगा एवं वृद्ध गंगा नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना पठार में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कृष्णा नदी का लंबाई 1400 किलोमीटर है। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना तथा श्री सैलम परियोजना निर्मित है। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में बहते हुए विजयवाड़ा के निकट विभिन्न शाखाओं में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगली नदी है हमारी कावेरी। यह 800 किलोमीटर लंबी दूरी तय करते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। यह कर्नाटक राज्य के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से उद्गम होता है इसका। कावेरी नदी में प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। यह नदी छिप्रा है। यह उज्जैन का विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। यहाँ पर प्रत्येक 12 वर्षों में कुंभ का मेला लगता है। मध्य प्रदेश इंदौर जिले में काकरी बरछी पहाड़ी से निकलती है। ये नदी के किनारे ही उज्जैन का मेला लगता है। अगली नदी है माही। इस नदी का उद्गम अरावली पर्वत श्रृंखला से होता है तथा यह गुजरात में खंबात की खाड़ी में गिरती है। यह नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है, यह भी ध्यान रखने योग्य बात है। साबरमती। अगली नदी, यह इस नदी के किनारे अहमदाबाद तथा गांधीनगर बसे हुई है। साबरमती स्थान के उदयपुर में अरावली पर्वत श्रृंखला निकलती है, खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। और उदयपुर में अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू हमारा वीडियो देखने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।